उन्होंने बठिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम सिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी राज्य के अंदर, चाहे ऑपोजिशन गवर्नड हो, कुछ भी हो, पीएम रूट के ऊपर इस तरीके की गड़बड़ नहीं होती। होम मिनिस्टर ने बड़ा सीरियस लिया, इसको लेना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के हालात बताता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी बीच पीएम की सिक्योरिटी में हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर स्टेट पे है जी, कितनी दूर है हम। क्या समझते हैं आप, ये अब इलेक्शन यहाँ पे पीसफुल हो सकते हैं या राष्ट्रपति राय लगना चाहिए, किस तरह का? देखिए, इलेक्शन पीसफुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो अभी उसका आकलन किया जाएगा, बताया जाएगा। मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि 32 जगह पर नाकाबंदी करके इन्होंने बीजेपी की जो बसेस में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आ रहे थे उनको रोका है। 700, 800 बसें एक रूट के ऊपर रोकी गई हैं, उनके शीशे तोड़े गए हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच गए हैं और खून निकला है, औरतों के साथ बदतमीजियां हुई हैं, यहां तक कि लंच बॉक्सेस गाड़ी के अंदर से, उनके लंच बॉक्सेस कौन छीनता है जी, कौन, मतलब किस पंजाब जैसा राज्य, ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को खाना खिला के भेजा जाता है, किसी को भूखे नहीं जाने देते, खाना छीनने का काम कौन करता है, जो खुद भूखा है और वो भूखे हैं सत्ता के, जिनको मालूम है कि आज सत्ता की जमीन उनकी धरती के नीचे पैरों तले धरती गायब हो चुकी है।